हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। आज की वीडियो में हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऐसे छात्र जिनको प्रमोट किया जा रहा है उसके पूरे फॉर्मूले के बारे में बहुत ही डिटेल से बहुत ही आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। हालांकि नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है और यूजी के सेकेंड और थर्ड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अभी पीजी के बारे में नोटिफिकेशन नहीं जारी है। तो हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सेशन 2021। तो 4/5/2021 की कमेटी में यह डिस्कशन के दौरान ये निर्णय लिया गया कि कोविड-19 के इस पैंडेमिक के दौरान यूनिवर्सिटी को इतनी क्षति पहुंची है, उसी के अकॉर्डिंग द सभी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के यूजी के छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है। और आगे की बात हम देखते हैं, पीजी के फर्स्ट ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा या नहीं, ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं है। थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वालों को तो नहीं किया जाएगा, इसकी जानकारी है। द स्टूडेंट ऑफ यू जी सेकेंड पी जी एंड प्रोफेशनल इंटरमीडिएट सेमेस्टर कोर्सेज वे बी प्रोमोटेड टू हायर क्लासेस सेमेस्टर वाइल द स्टूडेंट ऑफ यू जी थर्ड ईयर बी प्रोमोटेड एंड मार्क्सिट बी अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस क्लास। मतलब यू जी सेकेंड ईयर तथा पी जी एंड प्रोफेशनल इंटरमीडिएट सेमेस्टर के कोर्सेज में जो है हायर क्लासेस में स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है, हायर क्लासेस या फिर सेमेस्टर में, जबकि जो कि यू जी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट करके मार्कशीट दे दी जाएगी। द हाउएवर द स्टूडेंट ऑफ यू जी फर्स्ट एंड पी जी प्रोफेशनल फर्स्ट एंड फाइनल सेमेस्टर विल बी राइट दियर एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही डिटेल में लिखी हुई है कि यू जी फर्स्ट ईयर के और पी जी तथा प्रोफेशनल के फर्स्ट तथा फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर और फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट का एग्जाम होगा, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले प्रमोट होंगे। इसका मतलब तो यही निकल के आता है कि सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के लोग प्रमोट होंगे, बट उसके लिए ऐसा कोई अभी वो नहीं निकला है फार्मूला कि किस तरह से प्रमोट होंगे, ये यूजी के लिए बताया गया है। तो ये जो एग्जामिनेशन होगा वो इन लोगों का यूजी फर्स्ट और पीजी फर्स्ट तथा फाइनल वालों का सेमेस्टर वालों का फाइनल यूजी फर्स्ट ईयर तथा पीजी के प्रोफेशनल के फर्स्ट सेमेस्टर तथा फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम जुलाई अगस्त में होगा। और ये डिपेंड करेगा कोविड-19 पैंडेमिक के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। द प्रमोशन रूल्स एंड अवार्ड ऑफ मार्कशीट ऑफ यूजी थर्ड कोर्सेज विल बी एजेंडा। मतलब जो यूजी थर्ड ईयर है उनका जो प्रमोशन है वो किस तरह से होगा, तो फॉर रेगुलर स्टूडेंट, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको यूजी सेकेंड ईयर के मार्क्स तथा 7% अधिक मार्क देके प्रमोट किया जाएगा। जो एक्स स्टूडेंट हैं उनको यूजी सेकेंड ईयर के मार्क तथा +7% मार्क इन ईच पेपर सेपरेटली इन द केस ऑफ बी ए एंड बी एस सी, बी और बी एस सी के केस में दिया जाएगा। मतलब हर एक सब्जेक्ट से आपको यूजी के सेकेंड ईयर के मार्क और 7% मार्क्स दे के प्रमोट कर देंगे। एवरेज मार्क ऑफ यूजी फर्स्ट एंड यूजी सेकेंड, दोनों के एवरेज मार्क मिलाया जाएगा। यूजी फर्स्ट और यूजी सेकेंड में आपने कितना मार्क है उसके एवरेज निकालेंगे और +7% अधिक दे के प्रमोट करेंगे। ये बी कॉम और बी एस सी के लिए है, ठीक है। बी ए बी एस सी के लिए अलग और बी कॉम बी एस सी होम साइंस के लिए अलग है। एवरेज का मतलब होता है कि यूजी में जो पाए हैं आप फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में दोनों का बीच का वो एवरेज निकाल के आपको 7% अधिक देके बी कॉम और बी एस सी वालों को प्रमोट किया जाएगा, बी एस सी होम साइंस वालों को। इफ़ इन एनी सब्जेक्ट देर आर टू पेपर, किसी सब्जेक्ट में अगर दो पेपर हैं तो यू जी सेकेंड एंड थ्री यू जी सेकेंड में तो थ्री पेपर्स इन यू जी थर्ड ईयर। यू जी सेकेंड में अगर किसी में टू पेपर है किसी एक सब्जेक्ट में, या फिर यू जी थर्ड ईयर में थ्री पेपर है, एन एवरेज ऑफ टू पेपर विल बी अवार्डेड इन द थर्ड पेपर। तो जो टू पेपर्स रहेगा उसी के एवरेज को अवार्ड कर देंगे थर्ड पेपर के लिए। नंबर इफ़ इन एनी सब्जेक्ट द मैक्सिमम मार्क इन एनी पेपर इज से 50 इन यू जी सेकेंड एंड 75 इन यू जी थर्ड, अगर से थर्ड में 75 है और यू जी, मतलब आप खुद ही जानते हैं कि बी एस सी के अगर आपका सेकेंड में किसी सब्जेक्ट से दो पेपर है और बाद में थर्ड ईयर में तीन पेपर होता है तो आपको एवरेज दे दिया जाएगा थर्ड पेपर के लिए। इन एनी एनी सब्जेक्ट द मैक्सिमम मार्क इन एनी पेपर इज 50, अगर आपका ये तो होता ही है कि सेकेंड ईयर में 50 रहता है और थर्ड ईयर में आपका 75 हो जाता है, तो इन यू जी थर्ड ईयर अ सिंपल स्केलिंग प्रोसेस विल बी अडॉप्ट, तो इसमें सिंपल स्केलिंग प्रोसेस अप्रोच अडॉप्ट किया जाएगा। द हाइस्ट मार्क्स अवार्डेड विल बी द मैक्सिमम मार्क्स टू, मतलब सबसे अधिक मार्क अगर दिया जाएगा तो वो दो मार्क दिया जाएगा हाइस्ट मार्क वालों को, एंड जो लोवेस्ट मार्क हैं उनको पास मार्क दे दिया जाएगा। मतलब जो सबसे कम नंबर पाते हैं उनको पास मार्क दे दिया जाएगा और जो हाइस्ट मार्क्स वाले हैं उनको दो नंबर अधिक दिया जाएगा। और वाइवा वाइस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग समर ट्रेनिंग ये सब का प्रोसेस ये डिपार्टमेंट के द्वारा हैंडल किया जाएगा, इस पे जो वो नंबर देते हैं वो ऐड होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर एडमिशन प्रोफेसर आई आर सिद्दीकी इन द एग्जामिनेशन कमेटी डी फिल एडमिशन रोस्टर, तो ये क्रेड के लिए बात है, इसके बारे में भी यही इन्फॉर्मेशन है कि डिपार्टमेंट वाले अपना अपना मीटिंग के थ्रू डिस्कशन
या फिर कोई डिसीजन ले सकते हैं। जल्दी उसके लिए भी नोटिस जारी हो जाएगी। चौथा देखते हैं, द रिजल्ट ऑफ यूजी सेकेंड एग्जामिनेशन। जो यूजी सेकेंड का एग्जामिनेशन है उसका बीए बीएससी बीकॉम बीएससी होम साइंस विल बी 30 मई को डिक्लेयर किया जाएगा रिजल्ट। और द सेकेंड एग्जामिनेशन ऑफ बीसीए एमसीए एंड पीजीडीसीए विल बी हेल्ड इन ऑनलाइन मोड इन मई 2021 एंड द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर बाई 30 मई। 30 मई का इसका रिजल्ट आएगा। 15 मई से एग्जाम स्टार्ट हो गया, उसकी भी नोटिस आ गई है और पूरा टाइम टेबल आ गया है। उसकी भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको सारी डिटेल दे देंगे। तो ये रही आज की नोटिस जो कि ऑफिशियल अपडेट है किस तरह से लोग प्रमोट होंगे। तो पीजी सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर वाले ये जान लें कि वो भी प्रमोट ही होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एंड लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा जुलाई या फिर अगस्त में। और जो बीएससी मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर वाले हैं उनका भी एग्ज़ाम होगा, बाकी सारे प्रमोट होंगे। और ये जो जिनका 15 मई से एग्ज़ाम होने जा रहा है ये सेकेंड एग्ज़ाम वाले हैं। तो ये रही आज की इन्फॉर्मेशन। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि तुरंत की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और बस आपसे हम यही पर विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।